गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट्स 10:30 राइट नाउ। बहुत लेट हो गई हूँ आज मैं उठने में, बट थोड़ा काम है आज। ये मेरा पहला व्लॉग है, मैं कल से स्टार्ट करना चाहती थी, कल थी। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। घर में जो मेरी हाउस हेल्प है वो काम कर रही हैं इस वक्त। मैं कल से व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन कल क्योंकि महाशिवरात्रि थी, हम सबका व्रत था और हम लोगों ने घर में पूजा रखवाई थी। मैं पूजा को तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उतना वक्त नहीं था, सुबह बहुत अर्ली पूजा थी। लेकिन इसकी छोटी सी एक फुटेज इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी ताकि आपको पता लगे कि हमने क्या क्या किया था पूजा के ड्यूरेशन में। तो यस, अभी मैं जस्ट कॉफ़ी पी के उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ। गुड़िया मेरी उठ चुकी है, अगर आपको नहीं पता है मेरी 1.5 साल की बेटी है, वो अभी उठ चुकी है और उसके नाश्ते का टाइम है, तो वो भी मुझे उसको देना है। तो लेट्स सी कैसा जाता है आज का दिन। सो आई एम आउट राइट नाउ एंड आई एम इन अ वेरी बैड कंडीशन। आई एम अ लिटिल अपसेट एंड अ लिटिल हंग्री एज वेल। आई बॉट फ्यू थिंग्स राइट from Modicare and few other things, and I wanted to order something from McDonald's, but unfortunately I wasn't able to. People, they do not consider whether you have a baby or not, they do not consider anything, they just need to get inside the line and they don't have patience. I'm a little upset right now, so I guess I'll talk to you guys a little later. गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट्स 13th of March टुडे और इस टाइम हो रहे हैं 9:30 सुबह के। मैं उठ तो काफ़ी पहले गई थी और अब मेरी कायरा भी उठ गई है। कायरा शिहाई, थोड़ी सी एडिटिंग की है मैंने और अब क्योंकि ये उठ गई है तो मैं और तो कोई काम कर नहीं सकती हूँ, तो आई एल जस्ट गो एंड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर ऑल ऑफ अस। एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ अभी। मेरे को थोड़ा सा काम था, बाहर जाना था, वो करके आई हूँ और एडिटिंग करने बैठी हूँ। वी आर एक्चुअली प्लानिंग फैमिली हॉलीडे नेक्स्ट वीक। इसकी डेस्टिनेशन क्या है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इस व्लॉग में आपको आगे पता लगेगा। बट वहां जाने के लिए मैं अपने हेयर थोड़े से कलर कराना चाह रही थी, थोड़ा फंकी कलर कराना चाह रही थी, ग्रीन या ब्लू में। बट पार्लर जाके कराना लाइक 6 to 7 month एक फंकी कलर मैं कमिट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं जस्ट ऑनलाइन ना अभी नायका की वेबसाइट पे सर्च कर रही थी और मुझे एक्चुअली एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखा, तो मैंने एक ब्लू हेयर कलर ऑर्डर किया है। मैं अभी आपको दिखा हूं मैंने कौन सा ऑर्डर किया है। स्ट्रीक्स का ये स्ट्रीक्स अल्ट्रा लाइट जेम कलेक्शन ब्लू सफायर शेड में मैंने ऑर्डर किया है और इसको कैसे यूज करना है उसकी कुछ वीडियोस भी देखी हैं मैंने। जब ये एक दो दिन में मेरे को रिसीव हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, जैसे ही मुझे ये रिसीव होगा मैं इसी व्लॉग में ये शूट करूंगी। मैं आप लोगों को अपने बाल कलर करके दिखाऊंगी। मेरे बालों का कलर इस टाइम ब्लैक है, मैंने बिल्कुल कोई ब्लॉन्ड या कोई हाईलाइट नहीं कराया हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये ब्लू कलर एग्जैक्टली कैसा दिखेगा मेरे बालों पे। तो जैसे ये रिसीव होगा मुझे, वील ट्राई टुगेदर एंड देखते हैं कि ये कैसा लगता है। गुड मॉर्निंग, सो नाउ कायरा इज अवेक। और क्योंकि कायरा जग गई है तो हम और कोई काम नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आज कोई और काम करने का प्लान नहीं है, आज बेसिकली हमको सिर्फ पैकिंग करनी है और अगर कुछ सामान छूट गया है पैकिंग लिस्ट में से तो उसको लेकर आना है। मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी जिससे मैं अपनी एडिटिंग कर पाई हूँ और अब मैं आराम से अपनी कायरा के साथ खेल पाऊंगी। ओके, सो दिन में आज हमने और स्पेशल तो कुछ नहीं किया, बट नायका से कुरियर आया है जो मुझे अभी अनबॉक्स करना है और मेरी गुड़िया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अनबॉक्सिंग में, तो मैं फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेती हूँ। देयर इज नथिंग मच टू शो यू, मैंने सिर्फ दो चीजें मंगवाई थी जो मैंने आप लोगों को उनमें से एक दिखाई थी। ये स्ट्रीक्स का अल्ट्रा लाइट ब्लू का कलर मैंने मंगवाया था, कल या परसों में मैं इसे आपको यूज करके दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं मुझे नहीं पता। मेरे बाल ब्लैक कलर के हैं तो ये एग्जैक्टली कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता है,
बट यस आई विल ट्राई इट एंड आई एम एक्चुअली एक्साइटेड इस चीज को ट्राई करने के लिए. इन द मीन टाइम दिस इज वॉट माई कायरा इज डूइंग. बिकॉज आज लेजी संडे है, मैंने खाना आज कुक नहीं किया है, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया है और हमने बारबेक्यू नेशन से खाना मंगाया है. ये रहा वो सारा खाना जो हमने एक्चुअली मंगाया है. हम पहले बारबेक्यू नेशन से ऑर्डर कर चुके हैं, ये पहली बार नहीं है, बट इस बार कुछ डिफरेंट मंगवाया है तो आई होप ये भी बाकी जितना अच्छा ही होगा. मैंने नॉर्थ इंडियन ऑर्डर किया है. सी हाउ क्यूट ये इनके गुलाब जामुन है. सो या मैं जस्ट इसकी सॉर्ट ऑफ अनबॉक्सिंग करती हूँ, खाना सर्व करती हूँ बिकॉज आई नीड टू वॉश माई हैंड्स इन बिटवीन बिकॉज ऑफ द करेंट सिचुएशन. तो आई विल जस्ट डू इट क्विकली एंड शो यू हाउ आई डू इट. पैकेट से बहुत ज़्यादा है ये ब्राउनी और ये मैंने एक्चुअली अपनी गुड़िया के लिए मंगाई है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो ये और ये तो हो गया हमारा डेजर्ट. ये एक्चुअल खाना है जो हमने ऑर्डर किया है. ये इनके मसाला कौन है और आई गेस ये मसाला और अनियन इसके ऊपर डालनी है. तो इट लुक्स टेस्टी एंड बाकी ये है नॉर्थ इंडियन थाली जो मंगाई थी. मुझे लगा था शायद मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए सफिशिएंट हो गई बट फिलहाल मुझे ये देखने में थोड़ी कम लग रही है क्वांटिटी में. बट वील जस्ट स्टार्ट विद दिस एंड फिर देखते हैं कि हम लोग इतने में सेटिस्फाई हो पाते हैं या नहीं. द नेक्स्ट डे 15th ऑफ मार्च है और हम लोग अभी बाहर निकले हैं. इस टाइम जस्ट निकले हैं इसलिए मैंने अभी मास्क नहीं लगाया हुआ है. मुझे अपना एक ब्लड टेस्ट कराना है जाने से पहले और छोटी छोटी कुछ चीज़ें खरीदनी है हमें, तो बस उसके लिए अभी हम बाहर निकले हैं. आई विल ट्राई टू फिल्म जितना मैं कर पाऊंगी आज बट लेट्स सी. मैं टेस्ट करा के वापस आ गई हूँ. ब्लड टेस्ट कराया है, एक्सरे कराया है, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कराने के लिए. एंड इट्स ऑलवेज बेटर कि कहीं आप जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उससे पहले सारे टेस्ट या जो कुछ है अगर आपको कोई इश्यूज है वो क्लियर करके जाएं. फिर मैंने नारियल पानी पिया था और उसमें इतनी सारी मलाई निकली है. वैसे तो मैं मलाई खाना पसंद नहीं करती हूँ लेकिन क्योंकि ये नारियल की मलाई है तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी. साइज तो ये भी ठीक है. ये ले लेना. हाँ वो इस वाले का शेप सुंदर है. इट इज अ वेरी बिग मार्केट. सामान काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाता है और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं. नोएडा की लोकल मार्केट है. वी आर इन चाइल्ड राइट नाउ. खाना नहीं खाया है मैंने तो, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था आज. ब्रेकफास्ट और लंच नहीं किया है. व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ कि 4 बज रहे हैं और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है. काम हम अपने सारे निपटा चुके हैं और अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है. ही इज़ वर्किंग राइट नाउ और खाना तो हमने ऑर्डर कर दिया है. कॉफ़ी भी ऑर्डर किया है मैंने. सो आई विल शो यू वंस इट कम्स. आर फूड इज़ हियर. चाय और कॉफ़ी के अलावा हमने ये पालक पत्रा भी ऑर्डर किया था. इसके अलावा पराठा भी ऑर्डर किया है बिकॉज एज आई सेड मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ इसे. सो यस आई जस्ट एंजॉय माई कॉफ़ी नाउ. Now we are done with our lunch या जो भी था वो और now we are leaving for home. If you are curious कि कायरा कहाँ पर है, कायरा इस वक्त अपने नाना नानी के घर है. मैं usually जब बहुत ज़्यादा जगह जाना होता है, अगर एक जगह नहीं जा रहे हैं जैसे अगर मॉल जा रहे हैं तो मैं कायरा को ले जाती हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जगह जाना होता है तो मैं कायरा को अपने साथ ट्रैवल नहीं कराती हूँ. लेकिन अब क्योंकि सारे काम हमारे हो गए हैं तो मैं वहाँ जाके उसको पिक करूँगी और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे. नाउ आई एम होम और मैंने चेंज कर लिया है. आई एम मेकिंग टी एंड कॉफी राइट नाउ एंड बाय द टाइम वो बन रही है आई जस्ट क्विकली शो यू कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ स्नैक्स में. तो दिस इज ऑल आई बॉट स्नैकिंग के लिए. वैसे तो हम 3 ही दिन के लिए जा रहे हैं. मुझे उस टाइम ये चीज रियलाइज नहीं हुई थी कि शायद मैं थोड़ा ज्यादा खरीद रही हूँ. सो ये सारे स्नैकिंग आइटम्स है जो मैंने खरीदे हैं.
मैंने पर्टिकुलरली ये स्नैकिंग आइटम्स एक्चुअली इसलिए खरीदे हैं बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मैं उसको हर उस जगह पे खिला पाऊंगी कि जहाँ पे हम लोग खाएंगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव समथिंग अपने पास जो बच्चा खा ले, जिससे कम से कम उसको थोड़ी देर के लिए फुल रह सके, तब तक जब तक कोई और खाने का ऑप्शन नहीं मिलता है. तो कायरा इज हियर विद मी राइट नाउ. बाबा हाय. हाय. She loves to come whenever I'm in the kitchen. जब भी मम्मा किचन में होती है, कायरा को किचन में आना बहुत पसंद है. It's 15th today and कायरा पूरे 18 months की हो गई है. So she is a big girl now. See, she's just leaving to watch TV. मैं एक्चुअली वीडियो एडिट कर रही थी when I realized बीच का जो थोड़ा सा सेक्शन है जिसमें मैंने एक्चुअली रिवील किया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं वेकेशन के लिए, वो मिसिंग है. सो आई एम जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप. मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू गोवा एंड बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी हम लोगों के ऑलमोस्ट वापस आने का टाइम हो गया होगा. मैं गोवा में भी व्लॉगिंग करूंगी. तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने गोवा में क्या किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि इस व्लॉग के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो गोवा का व्लॉग होगा. मैं जब जिस ड्यूरेशन में मैं गोवा में होंगी तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज के फॉर्म में अपने डे के जो लिटिल लिटिल मोमेंट्स हैं वो शेयर करूंगी. तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे यहाँ मेंशन कर दूंगी. मैं आप देखना चाहते हैं कि मैं गोवा में क्या कर रही हूँ या हम लोग गोवा में कैसे एंजॉय करेंगे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा. नाउ लेट्स गेट इनटू द पार्ट. हाँ, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि व्हाट एम आई कैरिंग इन माय ट्रैवल मेकअप बैग. नाउ स्टार्टिंग विद सम बेसिक्स, आई एम टेकिंग दिस लिटिल हैंडी मिरर. देन आई हैव दीज लाइक अ बंच ऑफ कॉटन पैड्स. आई हैवंट केप्ट माय मेकअप रिमूवर येट बट आई वुड बी टेकिंग माय गार्नियर मिसेलर वाटर एंड माय न्यूट्रोजीना मेकअप रिमूविंग वाइप्स एज वेल. For my moisturizer, I have this little Nivea one. For my foundation, I would be taking this Maybelline Fit Me foundation. I guess it's like I'm halfway through this foundation and this does suit me. Ye exactly waterproof foundation to nahi hai. But this particular one does work well for me. And main bahut zyada makeup nahi karne wali hoon wahan pe, specifically when I'll be on the beach. For my powder, I would be carrying this particular one from Faces Canada. Then I actually have these bunch of brushes. I haven't washed them yet, so I just need to do that right now. For my sunscreen, I'll be taking this L'Oreal UV Perfect sunscreen. ये वाला मैं अपने इस बैग में रखने वाली हूँ. और इसके अलावा न्यूट्रोजीना का जो सनस्क्रीन है वो एक्चुअली मैं अपने कैरी ऑन में अपने साथ रखूंगी. आई एम जस्ट टेकिंग दिस रैंडम ऑयल का बॉटल जस्ट इन केस आई नीड इट और माय हस्बैंड नीड्स इट. मैं एक्चुअली जो पैकिंग करती हूँ इट्स जो स्किन केयर की पैकिंग है बोथ मी एंड माई हस्बैंड. सो आई जस्ट कैरी everything I think he might require. For my face wash, I'll be carrying this Kaya Derma Natural ka tea tree face wash. I got this particular one Nykaa ke Pink Friday box mein. I have done a full video on that. So if you haven't seen that video, I would be linking that in the description box down below. If you're interested in seeing ki Nykaa ke Pink box mein mujhe iske alawa aur kya kya receive hua tha, to aap dekh sakte hain us video ko. Then I am taking this Shloka ka Argan Oil Scrub. I might not need a scrub there, but I would be going on beach, so I'm assuming ki tanning to hogi hi. So yes, this is what I'm taking. For my hand cream, I have this Nykaa ka Rose and White Musk hand cream. For my face serum, I have this Mom's Coca face serum. ये जो सारी चीजें मैंने अभी तक दिखाई ना, मैंने honestly actually use नहीं की हुई है, so I don't know whether they'll work for me or not. But because ये छोटे size में है, that's why I'm carrying them with me. So this is the serum I'll be taking with me. उसके अलावा the toner that I have is this Olay toner. ये उसके अलावा I don't know क्यों मैं लेके जा रही हूँ, but थोड़ा सा ऐसे fancy feel करने के लिए I'm taking this M Caffeine का body polishing oil. बहुत ही tiny सी bottle है, so इतने बड़े bag में like चल जाएगी. Now coming to the makeup items I'm carrying apart from the base makeup, so I'll just randomly pick stuff. The primer that I'll be carrying is this Benefit का professional primer. ब्लश में आई एम टेकिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश इन द शेड हॉट. इसकी ऊपर से हालत बहुत कुछ खास अच्छी नहीं है और मैं अपने महंगे वाले ब्लशेज नहीं लेके जा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि वो टूटे. दिस इज हाउ द कलर लुक्स लाइक एंड इट डज लुक ब्यूटिफुल.
फॉर माई आई शेडो पैलेट आई हैव दिस निका के का अंडर द सी आई शेडो. आई माइट नॉट बी डूइंग माई बेस मेकअप बहुत ज्यादा, बट आई थिंक आई विल बी गोइंग फॉर बोल्ड या ब्राइट कलर आई शेडो एंड दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर पैलेट. मैं लिप बाम आई हैव दिस अगेन, मैं इसका प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पाती हूँ कंपनी का नाम, सो दिस इज द वन दैट आई एम कैरिंग विद मी. मैं कंसीलर आई हैव दिस मेबेलिन फिट मी कंसीलर. हाईलाइटर के लिए आई एम टेकिंग दिस NYX का अ वेवी ग्लो हाईलाइटर. दिस इज हाउ इट लुक्स. मैंने कभी यूज नहीं किया है बट मेरे पास ये एक्चुअली काफी टाइम से है, सो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू यूज दिस. क्रीम हाईलाइटर है सो आई थिंक इट शुड वर्क वेल. फॉर माई मस्कारा आई एम टेकिंग दिस नायका का सुपर साइज वॉल्यूम मस्कारा. आई वॉन्टेड माई मस्कारा टू बी वाटर प्रूफ क्योंकि मस्कारा ब्लीड करने का मतलब है पूरी आईज ब्लैक हो जाना, जो मैं नहीं चाहती हूँ. सो या दिस इज द वन दैट आई एम कैरिंग विद मी. फॉर माई आई प्रोडक्ट आई एम कैरिंग दीज फोर आई लाइनर्स. दो कलर्ड, एक्चुअली तीन कलर्ड हैं. आई जस्ट शो यू, ये तीन डिफरेंट कलर्स के मैं लेके जा रही हूँ और एक शुगर का ब्लैक लेके जाऊंगी मैं. लिपस्टिक्स भी मैं एक्चुअली तीन ही शेड में लेके जा रही हूँ. दीज आर द थ्री लिपस्टिक्स दैट आई एम कैरिंग. तीनों डिफरेंट शेड्स है, एक ब्राइट पिंक है, एक ब्राइट रेड है और एक न्यूट्रल न्यूड शेड है जो कि बाकी सबको सेटल कर सकता है इफ आई वॉन्ट अ सॉफ्ट लुक. ये वाली पर्टिकुलर इसलिए लेके जा रही हूँ मैं बिकॉज दीज आर वेरी लॉन्ग स्टेइंग एंड आई एम श्योर कि ये चाहे बीच हो, चाहे ह्यूमिडिटी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, दीज वुड वर्क गुड फॉर मी. एंड वन लास्ट थिंग दैट आई एम कैरिंग विद मी, आई डोंट नो मैं उसको यूज कर पाऊंगी या नहीं यूज कर पाऊंगी, बट दिस इज द वन, दिस इज फ्रॉम बेला वीटा एंड ये उनका बॉडी ल्यूमिनाइजर है. Like, I'll just try and show you ये कैसे काम करता है. I got this in PR and I have to use it and then, you know, write about it. So, I thought कि इससे बेहतर टाइम और क्या हो सकता है. So, this is how much it is. इसकी बहुत oily और बहुत ही soft consistency. It is very easy to blend. Can you see? It gives a beautiful shine to the skin. I think it would be a perfect option for Goa or for beach. And I hope ki ye photos mein bhi acha lage. So yes, that was all I have in my travel makeup bag. Now, main fatafat se jaake, I'll just have something. I'll eat something and Kyra is sleeping right now. So, मैं भी फटाफट से कुछ खा लेती हूँ एंड आई डू हैव टू रिकॉर्ड अ कपल ऑफ वीडियोज ऑल्सो. तो वो सारे काम मैं निपटा के आज के काम में और कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है. टुमोरो आई वुड बी कलरिंग माई हेयर ब्लू एंड आई जस्ट आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. हाउ डू आई डू इट या उसका पूरा प्रोसेस क्या है, बट बस इस वीडियो में मैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स जरूर इंक्लूड करूंगी एंड आई विल शो यू हाउ माई हेयर लुक्स बिफोर एंड आफ्टर. सो यू कैन सी दिस इज हाउ माई हेयर आर लुकिंग राइट नाउ एंड देन वील सी हाउ दे लुक वंस दे आर ब्लू. सो वैसे तो मैंने बोला था कि मुझे आज बहुत ज्यादा और कोई काम नहीं है, बट राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मॉल बिकॉज मुझे थोड़ा काम है वहां पे. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी ये जस्ट एक घंटे का काम है. सो आई थॉट कि यू नो जस्ट टेक यू गाइज विद अस. जैसे मैंने बोला था, मैं हम लोग मॉल आए थे थोड़ा सा काम करने के लिए. इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स और हमारा काम हो गया है. कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी और एक्चुअली कुछ नहीं भी लेनी थी जो हमने ले ली हैं. नाउ वी आर जस्ट सिटिंग फॉर कॉफ़ी एट अ लिटिल लाइक CCD का सेक्शन बनाया हुआ है. वी आर सिटिंग देयर. तो मेरे हस्बैंड कॉफ़ी लेने के लिए गए हैं. सो आई जस्ट चेक विद यू इन अ बिट. मैंने भी लिया फोटो. गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 18th of March टुडे और दो दिन बाद मैं ये व्लॉग कर रही हूँ. मैंने बोला था कि मैं कल लाइक येस्टरडे अपने हेयर कलर करूंगी एंड मैंने उसकी एक वीडियो बनाने की कोशिश की है. मैंने अपने हेयर कलर करते हुए प्रोसेस की वीडियो बनाई है, बट लाइक दिस इज द एंड रिजल्ट. I actually cannot see any color in my hair. So like yes, this is the end result. मैंने जो actual video बनाई है कैसे hair की color किया है मैंने, उसका थोड़ा सा section मैं इस vlog में include कर दूंगी. बट आई वुड से कि जो पर्टिकुलर हेयर कलर मैं सोच रही थी, जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये streaks वाला, this did not work from me. Like इस लेडी के बाल देखिए और मेरे बाल देखिए, मुझे एक्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा है. मेरे बाल जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही है. मे बी एक या दो स्ट्रैंड ग्रीन या ब्लू हो गए और ग्रीन क्यों है वो भी मुझे नहीं पता, बट यस इट वॉज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम.
बाय दिस आई एम एंडिंग माय व्लॉग राइट हियर. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप और व्लॉग्स देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आने वाले कुछ मंथ्स में हमने काफी सारे ट्रैवल के प्लान्स बनाए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे ट्रैवल लोकेशन पे व्लॉग करूं. अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता लगे. तो नाउ आई विल जस्ट से बाय टू यू, सी यू ऑल इन गोवा.